मॉर्निंग है आप सभी को धारचूला से और स्वागत है सभी का एम के ब्लॉग के एक और नए फ्रेश एपिसोड में। तो भाई अभी हम हैं धारचूला में और ये हमारी चल रही है ओम पर्वत आदि कैलाश की एक सीरीज़। तो यहाँ से ना नज़ारे बहुत प्यारे हैं। रात को हम यहाँ पे आए थे और रात को जो हमने वीडियो एंड करा ना लास्ट वाला, तो मैंने बोला कि भाई मैं आपको व्यूज़ दिखाऊँगा, इस होम स्टे से बड़े प्यारे व्यूज़ आते हैं। तो ये देखो भाई मेरे पीछे जस्ट जैसे ही टर्न्स करूँगा व्यूज़ ही बदल गए हैं। कल हम पिथौरागढ़ से आए धारचूला, अपना परमिट वगैरह बनाया, जाना था गुंजी बट जा नहीं पाए, यहीं पे रुक गए क्योंकि यार लेट हो गया था। लेकिन भाई व्यूज़ बड़े प्यारे हैं, ये देखो है ना, मज़ा आ गया देख के। वो जो पीछे देख रहे हो ना वो वाला पार्ट, ये रिवर के उस वाला पार्ट, वो पूरा नेपाल है। वो वाले जो घर बने हुए हैं ना वो पूरा नेपाल है और ये है अपना इंडिया धारचूला। ओ भाई साहब ऊपर देखो माउंटेन्स, क्या मस्त सनराइज हो रहा है ना। वो सुबह उठ के ना दिल खुश हो गया यार देख के, जैसे मैं बाहर आया देखा नज़ारा बहुत प्यारा लगा। इतना ना कल शाम को नहीं लग रहा था क्योंकि थोड़ा डार्क हो गया था तो ठीक से दिख नहीं रहा था। तो जी आज का प्लान हमारा है, आज हम चलेंगे ओम पर्वत आदि कैलाश। यहाँ से परमिट वगैरह का काम अपना हो चुका है और यहाँ से जो रास्ते हैं ना और जो व्यूज़ हैं इससे भी अच्छे होने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देखना और बाकी इसका मैं जो प्राइस है पर पर्सन के हिसाब से होता है। यहाँ पे ना ऐसे एरिया में जब आओगे आप, ऐसे एरिया में जब आप आओगे ना तो आपको वो रूम वाला हिसाब नहीं रहता है कि एक रूम का कितना चार्ज है, उसमें 2 बंदे रहे 3 बंदे रहे। यहाँ पे ना पर पर्सन का हिसाब होता है और ऐसे ही आगे होता है। तो आइटनरी ये होती है ओम पर्वत आदि कैलाश की कि यहाँ से पहले जाना पड़ता है गुंजी। गुंजी एक टी पॉइंट है, उसके बाद लेफ़्ट साइड में आदि कैलाश और राइट साइड में ओम पर्वत। तो आदि कैलाश का डिस्टेंस वहाँ से है 27 या 30 किलोमीटर और फिर अलग डायरेक्शन में ओम पर्वत का डिस्टेंस है 15 से 18 किलोमीटर। तो आज हम डिसाइड करेंगे कि आज हम पहले आदि कैलाश जाएं या ओम पर्वत जाएं, क्योंकि एक दिन में 2 करना काफ़ी हेक्टिक होगा। तो आज दोनों में से एक करेंगे फिर एक कल करेंगे। तो जैसा भी होगा भाई वीडियो पूरा देखना, आपको पता चलेगा। यहाँ से देखो जी नज़ारे कितने प्यारे हो गए ना छत से, मस्त। सुबह सुबह का सूरज देवता के दर्शन हो गए, सनराइज हो चुका है और ये सामने काली गंगा का नज़ारा और इंडिया नेपाल और साथ में हमारा कोको। भाई इस ट्रिप पे ना अपना कोको भी ट्रैवल कर रहा है और अभी तक बिल्कुल अच्छे से एंजॉय कर रहा है। यहाँ पे खुली छत थी और एक कोको की ना फ्रेंड मिल गई है कुकी, इसके साथ काफ़ी इंजॉय करा इसने। ये देखो अभी छोड़ता हूँ मैं इससे ना, पता नहीं क्यों डर रहा है। ये देखो चलो कोको, भागो भागो भागो, देखो सीधा भाग रहा है भाई, इससे बहुत डर रहा है ये, पता नहीं क्यों। या तो इसका फेस बांधा हुआ है। कोको जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। तो जी ऑल सेट है। सुबह सुबह 8:48 हो गए और ये है अपना ग्रीन टाइगर, पूरा भाई मिट्टी से भरा हुआ है। देखो चारों तरफ मिट्टी मिट्टी है, लेकिन आगे आगे ना पूरी गाड़ी ढक जाएगी। एक तो ये डार्क कलर है ना, ये देखो आगे का हाल, लेकिन परफॉर्म अच्छा कर रही है। फिंगर क्रॉस भाई बाबा आज दर्शन करा देना अच्छे से। रास्ते बड़े खतरनाक है, मेरे को ना बाइक का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, कार का थोड़ा कम है। तो फर्स्ट टाइम मैं इसको ना ऐसे खतरनाक रास्तों पे लेके जा रहा हूँ। बद्रीनाथ जी गया था लेकिन वहाँ के इतने खतरनाक नहीं थे, लेकिन यार फर्स्ट टाइम मैं इस कार से, और हालांकि 4x4 नहीं है 4x2 है। यहाँ के लिए ना सब रिकमेंड करते हैं 4x4, लेकिन थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस इसका ऊँचा है और 4x2 है। लेकिन एफर्ट्स करके भाई देखते हैं कैसे ना कैसे करके भाई पहुँचेंगे बाबा के यहाँ। तो जर्नी में बने रहना, पूरा देखना वीडियो, बहुत ही मज़ा होने वाला है। निकलते हैं अपने इस होम स्टे से। ये है यहाँ का होम स्टे, छोटा सा और सिर्फ एक ही घर बना हुआ है। ये देखो इधर भी कुछ नहीं है इधर भी कुछ नहीं है। तो भाई मेरे को तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। और ये दीदी हैं ऊपर, इन्हीं का ये होम स्टे है। नगर पालिका परिषद धारचूला आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। कैलाश मानसरोवर प्रवेश द्वार, वाह जी वाह। तो यहाँ पे भाई ये जो वाला कट जा रहा है ना, ये वाला जो कट जा रहा है ये सीधा जा रहा है धारचूला शहर के अंदर। और यहाँ से ये वाला जो कट आगे जा रहा है ये, यहाँ से हमें यहाँ जाना है। ये है आदि कैलाश और ओम पर्वत का रास्ता। रेडी हो तुम? कैप वैप लगा के एकदम रेडी। भाई ये है आदि कैलाश कॉम्प्लेक्स, यहीं हम जा रहे हैं। आर्मी का है ये और यहाँ पे पिज़्ज़ा वीज़ा सब कुछ मिल जाएगा। सामने देखो ये जो पूरा देख रहे हो ना पूरा नेपाल है, जितने भी घर दिख रहे हैं पूरा नेपाल है। बीच में एक रिवर है, पास से दिखाता हूँ। ये देखो रिवर कर रही है फेंसिंग का काम। और ये है काली गंगा रिवर, बोलते हैं इसको काली गंगा और काली नदी भी बोल सकते हैं। ये सारे घर नेपाल के हैं भाई। यहाँ पे अपने पार्किंग कर दी है, बीच में ही पड़ेगा, ये इसी रोड पे पड़ेगा। उस चौक से थोड़ा सा हम पहले आए हैं। और कोको के लिए भी मैंने फूड ले लिया। ये ना ये ग्रेवी मिक्स करके खाता है भाई, और कोको को भी कुछ खिला देंगे। चलो जी, मस्त यहाँ पे झूला वूला है, कोको मस्त झूला वूला झूलेगा। और ये है कैंटीन। तो यहाँ पे मंगाते हैं, मैंने मंगाया डोसा। डोसा मिल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि आगे तो पूरा भाई ऑफ बीट टाइप का होने वाला है, तो यहाँ पे कुछ फास्ट फूड सा खा लेते हैं। कल रात को भी खाना नहीं खाया था, यहाँ कुछ खाते हैं। और ये देखो भाई मस्ती शुरू हो गई है इसकी। अरे अरे कोको सही मजे ले रहा पूरे ट्रिप के, है ना? बस बस बस। और यहाँ पे लिखा हुआ है आई लव धारचूला, मेरा भारत महान। लो जी, लग चुका अपना गर्मा गर्म डोसा सांभर और चटनी के साथ। अंदर क्या प्याज व्याज की फीलिंग है यार, सही है, पतला सा। कैसा है राध्या, टेस्ट कैसा है? देखते हैं भाई टेस्ट कैसा है। प्याज व्याज डाली है। अच्छा टेस्ट, मतलब इतना वाव वाला भी नहीं है, लेकिन बेकार भी नहीं बोल सकते। सांभर लेकिन बहुत अच्छा है। चलो जी, ऑल सेट हो गया, निकल गए हम खा पी के। अपना भाई नाश्ता वास्ता करके बढ़िया सा निकल गए। और ये बस यहाँ से अब रोड थोड़े से ना बाजार वजार कम हो गया, अब यहाँ से सही से रोड शुरू हो जाएंगे। नगर पालिका परिषद धारचूला, आपकी यात्रा मंगल में हो। धन्यवाद जी, धन्यवाद। इन पहाड़ों पे ना भाई टाइम लेके आओ, मतलब टाइम का कुछ भरोसा नहीं होता। एक तो लैंडस्लाइड इतना होता है। ये सामने देखो, ये काम वाम ना क्रेन जेसीबी वगैरह भाई खड़ी ही रहती है यहाँ पे हमेशा, ब्लास्टिंग होती रहती है। रास्ता छोड़ा हुआ है, मुझे दिख नहीं रहा था राइट से, मुझे लगा सामने में ही है। हमेशा भाई यहाँ पे कोई ना कोई काम चलता रहता है, पहाड़ वहाड़ गिरने का। ये देखो यहाँ पे भी लैंडस्लाइड हुई है, या पता नहीं ब्लास्टिंग की है शायद यहाँ पे। आज पूरा टेस्ट हो जाएगा भाई अपनी नेक्सॉन का। फिर से रुक गए, आगे पत्थर वत्थर तोड़े जा रहे हैं। और वहाँ पे भी ना बहुत सारी गाड़ियाँ रुकी हुई है, देखो। शायद यहाँ पे ऐसे ही होता है, 1-2 घंटा स्टक हो जाते हैं भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे ही अब ये काम पूरा होगा ना, तब जाके यहाँ पे रास्ता छोड़ेंगे भैया। पता नहीं कब तक काम करेंगे। खोल तो दिया भैया ने, थोड़ा सा साइड कर दिया। थैंक यू जी, थैंक यू। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, आगे जाके फिर से रुकना है। तवाघाट है 13 किलोमीटर, डोबत करके कोई जगह है, वो है 2 किलोमीटर। देखो जी सामने नज़ारा, मस्त वाटरफॉल है ना। दूर से थोड़ा सा पतला लग रहा है, लेकिन ये बहुत वाइड है। ओहो भाई साहब, क्या नज़ारा, जबरदस्त भाई। बहुत ज़्यादा इसका फ्लो आ रहा है, देखो, है ना। पैदल का रास्ता है वैसे, ये जो ट्रेल जा रहा है ना, ये वाला ट्रेल जा रहा है। यहाँ से जाके आप जा सकते हैं वहाँ। फ्लो बहुत ज़बरदस्त आ रहा है, ये देखो। एकदम धूल से भरा हुआ रोड है। आगे का मुश्किल से देखने में दिख रहा है। एक गाड़ियां जा रही है ना, धूल उड़ा रही है। तो अभी तक तो ऐसे ही चल रहा है भाई साहब। बीच में ना 2-3 जगह रुके 20-20 मिनट के लिए। रास्ते यहाँ पे बार-बार मशीनें लगी रहती हैं, बस यही है। ये है जी तवाघाट, एक ब्रिज है पूरा। और यहाँ पे ना 2 रास्ते जाते हैं, एक इधर जा रहा है ना, ये सीधा जा रहा है दार्मा वैली को, जो कि मैं 2 बार करके आ चुका हूँ। और ये वाला जो रास्ता जा रहा है, ये सीधा आदि कैलाश ओम पर्वत। तो यहाँ तक ही आया था मैं मतलब मैं 2 बार यहाँ तक आ चुका हूँ, इस पैस तक। इससे आगे मेरा भी फर्स्ट टाइम है और देखते हैं भाई कैसे नज़ारे हैं इससे आगे। अभी तक की तो राइड बढ़िया चल रही है यार, बीच बीच में 1-2 जगह रुकना पड़ रहा है। और इस जगह की स्पेशलिटी पता क्या है, यहाँ पे ना 2 नदियों का होता है संगम। जैसे इधर से आ रही है ना, ये है धौली गंगा, और इधर से जो आ रही है एक रिवर उधर से है, वो है काली गंगा, मतलब काली नदी बोलते हैं। तो बेसिकली ये आती है काला पानी से। तो अभी जहाँ इसका उद्गम स्थल है ना, जहाँ इस नदी का उद्गम स्थल है, ओम पर्वत का काला पानी से ये निकलती है। मैं पीछे चाइना के ग्लेशियरों से निकलती है, लेकिन मेन जो हमारे इंडिया में ओम पर्वत इंडिया में, वहाँ पे एकदम बाउंड्री है, चाइना का बॉर्डर है। तो बेसिकली ओम पर्वत काला पानी से ही आती है नदी। अरे क्या नाम है इसका? सीजर। सीजर तो ये भाई मुकेश भाई है, इनका नंबर मैं यहाँ पे दे दूँगा। जो भी आपको क्वेरी चाहिए ना, और जो भी अपडेट चाहिए, और ये यात्रा भी कराते हैं, सारे प्रबंध आपके कर देंगे, परमिट से लेके सब कुछ। तो यहाँ पे एक बार नंबर भी बोल दे मुकेश अपना। 94 10 905 624। ये नीचे नंबर आ रहा है भाई, कॉल करना, बहुत हेल्पफुल है। और मैं 2-3 बार जब भी आया हूँ ना, हम फर्स्ट टाइम मिले थे, जब भी आता हूँ जरूर मिलता हूँ मुकेश से। मैं 3 बार आया हूँ यहाँ पे, तो हम रास्ते में हमारी मुलाकात हुई थी, लेकिन अच्छे दोस्त बन गए। काफ़ी हेल्पफुल लड़का है, बहुत बढ़िया नेचर है। ये इसका घर है, यहाँ पे होटल भी है और होम स्टे भी। अगर आप कहीं फंसते हो तो तवाघाट पे एक ही घर बना हुआ है, स्टार्टिंग में ये मुकेश का ही है। तो चलते हैं बस, वहाँ पे अपनी खड़ी है कार। यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है, किसी का मंदिर है, हनुमान जी का है, समी जी माता का। यहाँ से तो मस्त टारमेक वाला रोड शुरू हो गया भाई साहब, मज़ा आ रहा है चला के भी गाड़ी। और सीनरी भी काफ़ी अच्छी है। अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मौसम थोड़ा सा ठीक हो रहा है। ऑलमोस्ट 2 हमारे डॉट ख़त्म हो चुके हैं। पेट्रोल कल ही डलवाया था पिथौरागढ़ से, तो 2 डॉट ख़त्म थे। तो मैंने सोचा यार ठीक है, पहुंच जाएगी। अभी 418 कुछ किलोमीटर की रेंज दिखा रही है, पहुंच जाएगी, मतलब वापसी भी आ ही जाएंगे। फिर धारचूला में डलवाएंगे। आगे ना पेट्रोल पंप है ही नहीं, और ब्लैक में मिलता है भाई 150 रुपये लीटर। अपनी तो पहुंच जाएगी लास्ट तक, मुझे लग रहा है। अब हवा अच्छी चल रही है और क्लाउडी मौसम हो रखा है। देखते हैं भाई, बाबा दर्शन देंगे, ओम पर्वत दिखेगा इन क्लाउड्स में या नहीं, वो हमारे लक पे डिपेंड करता है। बाकी 12:29 हो गए और अभी तक तो मस्त चल रही है अपनी राइड। राधे मज़े ले रही है, देखो बाहर विंडो के। अरे यार अच्छा लग रहा है ना, ठंडी ठंडी हवा। अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, पीछे तो हमने एसी ऑन किया हुआ था। ओ भाई साहब, देखो सामने का नजारा कितना खतरनाक हो रहा है ना, देख के ही कूज बम आ रहे हैं यार। कितना ज्यादा फ्लो हो रहा है, अगर इसमें कोई गिर गया ना भाई साहब, मुश्किल से मिलेगा बंदा। और मुझे लग रहा है ना वहाँ पे कुछ ना लैंडस्लाइड आई होगी। वो पत्थर जो दिख रहे हैं ना, वो उसको पानी को रोक के रखें, तब इतना ज़्यादा फ्लो हो रहा है। वो मतलब पूरा पानी का ना धुआं टाइप का उठ रहा है भाई। ये बड़ा डरावना मंजर है सच में, आदि कैलाश के रास्ते में। और इतना खतरनाक सा सीन है भाई साहब। हे भोलेनाथ तेरी माया है, जय श्री शंभू जय। बहुत सुंदर भी लग रहा है और डरावना भी लग रहा है। अब कहीं ना तवाघाट के बाद कहीं पे भी कोई ऐसे ब्लॉकेज नहीं मिला। मतलब जो हम पीछे गैप में रुक रहे थे ना, जैसे काम चल रहा था फिर रुक गए थे यार, कितना कानों को रिलैक्स मिला। बहुत ज़्यादा शोर मचा रहा था वो झरना क्या, वो कोई ब्लॉकेज था। और ये देखो कितना मस्त लग रहा है ना, नीला नीला आसमान। बहुत पतला रोड है भाई, एक गाड़ी जाती है ना, एक गाड़ी की ही जगह मिलती है जाने में। भाई रास्ता देखो एकदम सामने, थोड़ा वेट कर रहे हैं कि गाड़ियाँ निकलें और अपना ना रिदम ना टूटे। तो यहाँ पे यही है, वो कॉन्वॉय जा रहा है ना, उसकी वजह से अपना रिदम टूट सकता है। तो थोड़ा सा मैं रुक गया। और भाई साहब इतना आसान नहीं है आदि कैलाश आना, बहुत दुर्गम रास्ते हैं। ये तो थोड़े बहुत ठीक हो गए, इससे पहले तो सोचो क्या ही हालत होती होगी। ये तो अभी बहुत बहुत ज़्यादा ठीक हो गए, मतलब हल्का फुल्के ख़राब बचे, और आने वाले टाइम में ना ये भी ठीक हो जाएंगे। गर्मी लग रही है भाई, शीशा खोल दो। चढ़ गए हम भाई, चढ़ गए। जैसे कोई प्यारा सा ब्रिज आ गया सामने। ये कैसा पहाड़ निकला हुआ है भाई साहब, एकदम चोंच वाला। और सामने देखो पता नहीं क्या मिट्टी का जलजला सा हो रखा है, कहीं पे शायद पहाड़ वहाड़ गिरा है या फिर ब्लास्टिंग टाइप का हुआ है। ओ भाई ये थोड़ा डरावना सा पैच है। ये कहाँ रुके हैं भाई साहब गाड़ी वाले? हो गया यार, ये क्यों रुकते हैं गाड़ी वाले? निकल जाएगा उसका। चलो खतरनाक वाला पैच आ गया, पूरा जेड बनता है। और ये रोड काफी फेमस हो रखा है, बहुत वीडियोस में मैंने देखा है। इस पे डर लग रहा है यार, इस पे कहीं अपनी नेक्सॉन बस जवाब ना दे दे, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है भोले बाबा यहाँ से भी निकालेंगे। तो भाई कहते हैं ना आसान नहीं है आदि कैलाश करना, लेकिन हम 4x2 पे कर रहे हैं। देखो कितना स्ट्रगल कर रही है वो स्कॉर्पियो भी। हम देखते हैं भाई, क्योंकि ना ऐसे जेड टाइप का बनेगा, उसमें अगर ब्रेक लगाए तो हो गया काम। स्पोर्ट्स मोड पे कर दिया है, अब खींचते हैं यहाँ से। हर हर महादेव। चलो जी चलो, दो हजार आरपीएम से ऊपर ही रखूंगा। 2000 आरपीएम में इसकी अच्छी पावर रहती है। निकल गए भाई फाइनली। ये था काफी खतरनाक पैच। निकल गई फाइनली, निकल गई भाई, निकल गई। लेकिन अपनी नेक्सॉन तो एक बारी में ही निकल गई थी। शीशे बंद करो, शीशे शीशे। कार धुल रही है। धुल गई फ्री में गाड़ी, कार वॉश फ्री में। बुद्धि है पूरा, बुद्धि विलेज छोटा सा। यहाँ पे काफ़ी होम स्टे मिल जाएंगे आपको, अगर रुकने का मन है। रात वात को कहीं फंस जाते हो तो भाई बुद्धि में भी रुक सकते हो। यहाँ से गुंजी पड़ता है, 20-25 का किलोमीटर है यहाँ से गुंजी। तो काफ़ी होम स्टे बने हुए हैं यार यहाँ पे, देखो जगह जगह होम स्टे हैं। और काफ़ी बाइकर्स भी रुके हुए हैं। आदि कैलाश आते टाइम ना भाई साहब, अगर आप कॉन्वॉय के बीच में फंस गए तो समझ लो ज़िंदगी ख़राब है। पिछले आधे पौने घंटे से फंसे हुए थे हम कॉन्वॉय के बीच में, और पूरे लूप लेके ना, बहुत सारे लूप्स थे। अब एक पास चढ़े, अब देखो कितना बेहद खूबसूरत नज़ारा आ गया ना। और ये देखो इधर जगह थी, ट्रक वाले भाई साहब ने इधर लिया ही नहीं। जगह का नाम है चिया लेक, और यहाँ पे पहला अपना परमिट चेक हो चुका है। आधार कार्ड वगैरह दिखाए सबके, और पूरा परमिट अपना हो गया चेक यहाँ से। अब चलते हैं यहाँ से आगे। बंदे कोई बोल रहा है 1 घंटा लगेगा गुंजी का, कोई बोल रहा है 2 घंटे लगेंगे। देखते हैं भाई, रोड तो अभी तक ठीक है। ओए कितना सुंदर नज़ारा है सामने का। और रोड देखो, पतली सी रोड, काली सी, ऐसा लग रहा है ब्लैक ब्लैक। कोई दूर से देखने में ना ऐसा लग रहा है ब्लैक सी कोई लाइन खींची हुई है दूर से। अब थोड़ा डाउन हिल आ रहे हैं हम, मतलब एक पास चढ़ा था चिया लेक, उसके बाद धीरे धीरे डाउन आ रहे हैं। नज़ारे यार बहुत तगड़े नज़ारे हैं आदि कैलाश के। अब लग रहा है भाई, अब जो सफ़र किया है ना दिल्ली से, लग रहा है कि पूरा पैसा वसूल हो गया, पूरा वर्थ हो गया। यहाँ पे छोटे छोटे कुछ टपरी टाइप के भी बने हैं, अगर कुछ खाना मैगी शैगी चाय वाय पी सकते हैं, लेकिन हम पूरा सामान लेके चल रहे हैं, हमें कुछ ऐसा पीना नहीं है तो रुकेंगे नहीं, सीधा सीधा चलेंगे यार। टाइम जल्दी से कवर करते हैं, अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचते हैं। लो जी, रोड की हो चुकी है समाप्ति और अब ऐसा कुछ पैच आ गया, अब गुंजी तक ऐसे ही चलेगा, ऐसी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है पीछे से। अरे भैया आराम से आराम से आराम से अपने ग्रीन टाइगर। लो जी लो, नीचे रिवर बह रही है भाई बहुत ज़्यादा फ्लो में। ऑलमोस्ट शाम हो गई है, 4:45 बज गए हैं और भाई ठंडी ठंडी हवाएं लग रही है ना, और बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है। चलो जी चलो, खतरनाक रोड। ओ भाई आगे करके देखना पड़ रहा है मुझे, पूरा झुक के कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। चलो जी चलो, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव शिव शंभू। चलो जी चढ़ चुके भाई साहब, पैच पे पैच आए जा रहे हैं, मतलब एक डेंजरस पैच निकलता है और दूसरा शुरू हो जाता है। वाकई में यार आदि कैलाश आना आसान बात नहीं है। 4x4 लेके आओ, एक और गाड़ी फंस गई है, उसको धक्का लगाया जा रहा है। भाई साहब ये वाला पैच बहुत ज़्यादा डेंजरस था यार, ये वाला पैच तो मतलब ना स्लिप हो रही थी गाड़ी, पट निकल गई है। थोड़ी देर इंजन बंद करता हूँ यार, क्लच प्लेट ना भूल जाए, धुआं सा निकलने लग गया था। हेलो बच्चों, ये लो आपके लिए, पढ़ाई करते हो, इससे पढ़ाई करना, सबको दे देना एक एक, ठीक है? थैंक यू। आदि कैलाश ओम पर्वत के रास्ते फिर से अपनी गाड़ी फंसी। तेरी ओ भाई साहब, थैंक यू भैया, थैंक यू। आगे भी ऐसे ही रास्ते हैं क्या? यहीं पे है ना? थैंक यू यार। स्लिप खा रही थी ना? हाँ स्लिप खाती है, और वो क्रैश नहीं छोड़ना था, और एक ही वो उसमें फंसा मेरा टायर उसके अंदर। थैंक यू। चल देगी कोई ऐसा नहीं है, और थैंक यू थैंक यू थैंक यू। राधे पकड़ो, खराब है उधर भी पर इतना नहीं। हाँ ठीक है, थैंक यू राधे। लो पकड़ो कोको को। भाई साहब आज तो फुल हो गया एडवेंचर। वो भाई साहब फुल ऑन एडवेंचर आज। मैं तो ओम पर्वत को कहां से बोल रहा हूं। वो फाइनली भाई निकल गई, इस भाई ने सीट आगे कर दी लग रहा है थोड़ी सी, अब ठीक है। अभी एक और चढ़ाई बाकी है। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। बोलू ऐसे फंस जाए तो फंस ही जाना अपन तो। जय भोलेनाथ। वो भाई तू कहां रह गया? आ जा रे। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। भाई वो जो सामने दिख रहा है वो है पूरा गुंजी, मतलब यहाँ से लोग रुकते हैं, गुंजी को बेस बनाते हैं और फिर ओम पर्वत और आदि कैलाश जाते हैं। तो हम यहाँ रुकने नहीं वाले हैं, बस देखते हैं। अब ये दिखने में लिख रहा है कि ये आ गया, लेकिन ये अभी होगा 3-4 किलोमीटर। सामने के देखो भाई साहब, पहाड़ कैसे फ्लैश लाइट सी लग रही है ना सन की, और ये कितने ले रही हैं पहाड़ों की। और एकदम चोंच वाले पहने पहाड़ हैं, 1, 2, 3, 4 पिरामिड से बने हुए हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं भाई गुंजी। इधर ये वाला रोड जो दिख रहा है ना, ऑफ रोड, यहाँ से हम आए हैं। और ये जो रास्ता जा रहा है, ये अच्छा वाला जो आपको पैस दिख रहा है, मेरा मन ललचा रहा है क्योंकि काफी देर से ऑफ रोड कर रहा था ना, लेकिन आज यहाँ पे नहीं जाना। ये जा रहा है आदि कैलाश, और ये वाला जो रास्ता जा रहा है ना, ये जा रहा है सीधा ओम पर्वत। भाई सामने के माउंटेन्स देखो, इतने मस्त लग रहे हैं ना, एकदम स्नो कैप है ये देखो, और वहीं से ठंडी ठंडी हवा आ रही है। भाई ये एक इन्फॉर्मेशन था, कंफ्यूज मत हो ना। वैसे यहाँ पे बोर्ड लगाना चाहिए यार, यहाँ पे कहीं बोर्ड नहीं लगा हुआ कि ये आदि कैलाश जा रहा है और ये ओम पर्वत। ओम पर्वत तक ही पूरा ऑफ रोड रहेगा, और आदि कैलाश वाला तो टारमेक है मोस्टली टाइम, मतलब 80% टारमेक है।